Thank you.
जैसा कि यहां पर हैदराबाद टीम का स्कोर हो चुका है 134 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और आज के इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई है और देखा जाए तो काफ़ी विकेट भी लिए हैं इस मुकाबले में हैदराबाद टीम के। और अभी तक जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई सभी लोग वीडियो को लाइक और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखा जाए तो 20 ओवर पूरे हो चुके हैं और अंतिम ही गेंद पर सीधा रन आउट का मौका मिल चुका है और सीधे यहाँ पर विकेट ले लिया है यहाँ पर पत्ती राणा ने और सीधा सातवां विकेट गिर चुका है हैदराबाद टीम का। 7 विकेट के नुकसान पर हैदराबाद की टीम सिर्फ 134 रन बना पाई 20 ओवर के अंदर। वाशिंगटन सुंदर और 6 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बना पाए हैं मार्को जैनसन। 22 गेंदों पर 17 रन बनाकर सीधे नामांक पर इस मुकाबले में आज
चेन्नई की टीम कुछ ही पल में यहाँ पर मैदान उतरेगी बल्लेबाजी, और देखा जाए तो चेन्नई की टीम को सिर्फ 135 रन चाहिए इस मुकाबले में अपनी जीत को एक बार फिर कामयाब करने के लिए। और देखा जाए तो 120 गेंदों में देखा जाए तो उससे पहले ही इस मैच को खत्म करना चाहेंगे यहाँ पर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़। और यहाँ पर बात की जाए तो डेविड कॉन्टेक्ट काफी जबरदस्त तरीके से ओपनिंग करते हैं हर मुकाबले, देखते हैं आज किस तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिलेगी डेविड कॉन्टेक्ट के बल्ले से। तो यार चेन्नई की टीम कुछ ही पलों में स्टार्ट करने वाली है,